बहरीन पुलिस में भर्ती का मामला, इश्तिहार में ऐसा क्या था कि नौजवान बड़ी तादाद में इंटरव्यू देने जा पहुंचे। इश्तिहार में कांस्टेबल के लिए 1 लाख से ज्यादा तनख्वाह का लालच दिया गया। सरकारी बैरक में मुफ्त रिहाइश और फ्री खाना भी बताया गया। हर 2 साल बाद फ्री टिकट देने का भी इश्तिहार में लिखा गया। फ्री वीजा और फ्री हेल्थ इंश्योरेंस का भी लिखा गया था। इदारे की जानिब से इश्तिहार से इनकार, नौजवानों का गम और गुस्से का इजहार। कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन का खौफ, खाम तेल की कीमतें मजीद गिर गई। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें 7 माह की कमतरीन सतह पर आ गई। बेंचमार्क लंदन ब्रेंट 4.45 डॉलर सस्ता, 69 डॉलर फी बैरल से भी नीचे आ गया। अमेरिकी खाम तेल 4.40 डॉलर की कमी से 65.55 डॉलर फी बैरल तक गिर गया। मुल्क में गैस खत्म हो चुकी है। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि मुल्क में मौजूद गैस के बेशतर ज़खायर इस्तेमाल किए जा चुके। सुई जितना बड़ा जखीरा ना मिला तो आइंदा मुल्क में गैस नहीं होगी। अब हमारा अगला जो चैलेंज आएगा वो ये आएगा कि हमारे यहाँ गैस नहीं होगी, अपनी जो हमारी इंडिजिनस गैस थी। जैसे सुई में एक बहुत बड़ा गैस का जखीरा, तो या तो कोई अल्लाह मेहरबानी करे और पाकिस्तान के अंदर से कोई सुई जितना बड़ा को गैस का जखीरा हमें मिल जाए, अदरवाइज ये गैस हमारी डिप्लीट हो रही है। लाड़काना में नशे में धुत कार सवार की हाईवे पर खतरनाक ड्राइविंग। नशई ड्राइविंग के दौरान कार को तेज रफ्तार गाड़ी से मिलाने की कोशिश करता रहा। नशे में धुत कार सवार की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।